शहर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सभी से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सैनिटाइजर व मास्क का इस्तेमाल करें, और यदि किसी को कोई परेशानी हो तो वह कांग्रेस के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं या खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है तथा प्रशासन और सेवा कार्य में लगे सेवकों के सहयोग करने की अपील की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सभी से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सैनिटाइजर व मास्क का इस्तेमाल करें, और यदि किसी को कोई परेशानी हो तो वह कांग्रेस के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं या खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है तथा प्रशासन और सेवा कार्य में लगे सेवकों के सहयोग करने की अपील की है। ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप है हमारे देश पर, जो कहर हो रहा है, इसमें बड़ौद क्षेत्र में हमारे जिला बागपत में हमारा प्रशासन शासन खूब आदेश करता है, प्रयास करते हैं। वो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी आदेश किया है उन्होंने कि कोई आपके क्षेत्र में कोई पीड़ित अगर है किसी भी तरह का तो उनकी आप हेल्प करिए। जैसा कि खाने का पीड़ित जब फंसे हैं, बार बार के आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई जौनपुर के रहने वाले हैं, कोई दूर दूर के यहाँ बेचारे हैं, कोई मजदूर हैं, वो ठेली वाले हैं, उनको जिनको भोजन नहीं मिलता था उनको हमने करीब एक हफ्ता हो गया, 6 तारीख से, 6 अप्रैल से हमने खाने का कार्य शुरू किया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी का प्रयास से ये जोड़ा गया, और यहाँ शांति नगर मोहल्ले में धर्मशाला में ये रसोई चलती है। रसोई में लगभग रोजाना 200-250 पैकेट तैयार करते खाने के, खाने के लेके जाके फिर वही जो हमारे पॉइंट हमारे मिले हैं SDM साहब से या तहसीलदार साहब से या DM साहब से, वहाँ पहुँचते हैं और उनको समय पर भोजन कराते हैं। और जैसा कपड़े की उनको शॉर्टेज थी, कपड़ा भी वहाँ दिया गया है, चाहे वो छोटे बच्चों के कपड़ों की आवश्यकता थी या एडल्ट की पैंट कमीज की ज़रूरत थी या लेडीज की सूट सलवार या साड़ियों की ज़रूरत थी, वो भी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और की भी है, बहुत ज़्यादा बहुत जगह की भी है। अगर किसी को दवाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, दूध के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो कहते हैं कि हमें दूध नहीं, हमारे बच्चों को नहीं, हमें थोड़े पैसे चाहिए, तो उनको पैसे की भी हेल्प हमारे राकेश शर्मा जी के नेतृत्व में वो भी पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें, अपने परिवार को चाय पिला सकें, जिससे उनका परिवार का पालन हो जाए। चूँकि एक बड़ी एक घड़ी ऐसी है, ऐसी परेशानी का वो है कि ये बढ़ रहा है अभी कोरोना, अभी खुलने का हमें चांस नजर नहीं आ रहा है। जब तक हम लोगों ने निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी के लोगों से, हमारे साथ राम कुमार शर्मा राणा जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी हैं, योगेश सोती जी हैं और कृष्ण मास्टर जी हैं जो हमारे प्रिंसिपल थे, ये थे, और हमारे वो सैनी साहब हैं, कपिल शर्मा जी, और अन्य लोग काफ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, देशपाल शर्मा जी हैं, हम सब लोग मिल के इकट्ठा होके बैठ के तो वो डिस्टेंस बना के उसी तरीके से हम जो हमें कानून पढ़ाया गया, जो बताया गया है, उसी में कि चूँकि ये आगे ना बढ़े, कोरोना को रोकने का भी प्रयास किया जाता है, सैनिटाइजेशन भी हम कराते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ खाना खिलाते हैं, और उसका भी पूरा हम ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ईश्वर से, अल्लाह से, हम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे देश से, हमारे क्षेत्र से, हमारे नगर से इस बीमारी को दूर करें, जिससे कि सभी लोगों को राहत मिले और सुख की चैन की सांस हम ले सकें और अपने परिवारों का पालन कर सकें। धन्यवाद।